सो वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 प्रो को। यहाँ पे ये है मेरे पास बीट XP वेगा, यस यहाँ पे मैंने बोल्ट का स्ट्रैप लगा रखा है। वैसे 22M का आफ्टर मार्केट का कोई सा भी स्ट्रैप इसमें चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे काफ़ी तगड़ी ब्राइटनेस मिलती है इसमें, 1000 nits की ब्राइटनेस मिलती है। इसकी ब्राइटनेस को मैच नहीं कर सकती मैक्सिमम वॉचेस, तो ये भी यहाँ पे एकदम लो पे कर रखे अभी मैंने ब्राइटनेस। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एकदम लो है और यहाँ पे आपकी फुल है, ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं फुल करता हूँ तो हैरान रह जाओगे आप, इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस इसमें दूसरी वाली वॉच में। तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं पिक को एज अ वॉच फेस लगाऊँ इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ, हाफ कर लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेटल का, एल्युमिनियम का केसिंग मिलता है यहाँ पे आपको, पॉलीकार्बोनेट ब्लेड मिलता है, बट ये जो है ना एक कर्वी डिज़ाइन मिलता है इसका, ये काफ़ी इसका एस्थेटिकली बेटर लुक मिलता है इसका। और यहाँ पे दो माइक कमेंट मिलते हैं यहाँ पे, और लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा बेटर है इसकी, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ आफ्टर मार्केट की वॉचेस से। यहाँ पे इधर की साइड से स्पीकर कमेंट मिल जाता है, डेडिकेटेड सेंसर के साथ वॉच आती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बीट XP वेगा में तो यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर मिल जाते हैं पीछे की साइड, और यहाँ पे स्पीकर कमेंट और यहाँ पे माइक कमेंट मिल जाता है। यहाँ पे दोनों में ही चार्जिंग पेस मिल जाती है इस तरीके से, और दोनों ही इस तरीके से मिल जाती हैं। अब गाइस दोनों में ही AMOLED डिस्प्ले है, और ये वेगा जो है वो 3000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है आपको। और दोनों में वैसे 22mm का आफ्टर मार्केट का स्ट्रैप आप लगा सकते हो। वेगा की मैं बात करूँ यहाँ पे जो स्ट्रैप मिला था इसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो मतलब सॉफ्ट था एज़ कम्पेयर टू दिस वन, बट अगेन फास्ट ट्रैक के स्ट्रैप की मतलब जवाब नहीं इसका, मतलब बहुत ही अच्छा मिलता है स्ट्रैप। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों मिल जाता है, और रेस्ट टू एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों ही साथ में काम करता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे आप चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर लो। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें चेक करते हैं, ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं टॉगल मेनू मिल जाता है। टॉगल मेनू दोनों में अलग अलग मिलता है, यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटनेस और कम करनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट है। तो यहाँ पे टॉर्च लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको मेन्यू में टॉर्च लाइट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे वन सेकेंड, इधर की साइड से आपको ये DND मोड मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिल जाती हैं, जैसे आपको वॉच फेस मिल जाते हैं, वॉच फेस यहाँ पे 4-5 मिल जाते हैं बेसिकली। इसमें भी आपको 4-5 वॉच फेस मिलते हैं, देख सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से आप चूज़ ऑन कर सकते हो, ठीक है। वापस से हम सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पे 60Hz का सैंपल रेट दोनों में से किसी में नहीं मिलता वैसे आपको मैं बता दूँ यहाँ पे। और थीम का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, थीम मतलब लिस्ट ग्रिड आई वॉच टाइप का मेन्यू मिल जाता है इसमें आपको, और यहाँ पे स्पिन मेन्यू मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको लिस्ट वाला मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे मेन्यू स्टाइल मिल जाता है, तो यहाँ पे लिस्ट वाला ही कर लेते हैं क्योंकि इसमें ग्रिड वाला मेन्यू तो मिलता नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। बैक करते हैं यहाँ पे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे एनालॉग डिजिटल वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी जाते हैं, तो एनालॉग डिजिटल वाले ही वॉच फेस मिलते हैं दो बेसिकली, ठीक है। आप चूज़ कर सकते हो जौन सा आपको लगाना है, ठीक है, एनालॉग वाला और डिजिटल वाला। एनालॉग वाला चेक कर लेते हैं यहाँ पे भी ऑन, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे स्क्रीन टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हो, मैक्सिमम 15 सेकंड का मिलता है, इसमें आपको 30 सेकंड का मिल जाता है। साउंड सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे रिंग वाइब्रेशन प्रॉपर म्यूट करने का ऑप्शन, और यहाँ पे भी साउंड सेटिंग का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे भी रिंग वाइब्रेशन म्यूट पे कर सकते हो प्रॉपरली, ये भी बहुत अच्छी बात है। दोनों में ही आपको साउंड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, बट एक बहुत ही अच्छी बात है दोनों ही वॉचेज में जो है पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन, यस गाइस दोनों में ही प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है, टैप करके आप होम पे पहुंच जाते हो। इसमें सबसे अच्छा फीचर मिलता है एक, वो है आपका रोटेटिंग क्राउन वाला ऑप्शन, गाइस बहुत ही कमाल का है ऑप्शन। इसमें दे सकती थी कंपनी, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं दिया, टेक्सचर दिया गया बट उसके बावजूद भी नहीं दिया गया। इवन 1000 rupees महंगी है वॉच, ठीक है। इससे राइट साइड में स्वाइप करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेज में, इस तरीके से देख सकते हो आप, ठीक है। टैप करके होम पे पहुंच जाते हो, लेफ्ट साइड में आपको मेन्यू मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेज में, और यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ चल रही है डेफिनेटली यहाँ पे वेगा एज़ कम्पेयर टू फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 प्रो। नीचे की साइड से ऊपर को स्वाइप करते हैं, यहाँ पे मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाते हैं दोनों ही वॉचेस में। अब गाइस सारी की सारी चीज़ चेक करते हैं दोनों ही वॉचेस की, ठीक है। यहाँ पे इधर की साइड से और यहाँ पे मेन्यू खुल जाता है, सबसे ऊपर चलते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलता है, तो ट्रेनिंग चेक कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे वॉकिंग वाला चेक करेंगे, यहाँ पे इधर भी आपको मल्टी स्पोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, आउटडोर मिल जाता है, आउटडोर में होगी शायद, रेगुलर स्पोर्ट्स में आपके वॉकिंग है, हाँ। तो 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी दोनों में से बेटर किसमें मिलती है। सो 50 स्टेप्स मैंने चल लिए यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो 61 स्टेप्स दिखा रहा है, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसमें बेटर मिलती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। वैसे मतलब 50, 51 या 52 होंगे करीब करीब, तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक की वॉच काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू वेगा बीट XP वेगा, ठीक है। यहाँ पे हम एंड करते हैं, डन। और गाइस और चीज़ चेक कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है स्टेटस, जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म किया वो शो कर देता है यहाँ पे, माय फिटनेस पे एक्टिविटी परफॉर्म किया वो शो करता है। SOS का ऑप्शन मिल जाता है, फोन का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, तो कॉलिंग चेक कर लें क्या एक बार, तो चलिए कॉलिंग चेक कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे फ़ोन पे चलते हैं, यहाँ पे इधर की साइड फ़ोन पे चलते हैं, और डायल पैड पे चलते हैं दोनों में ही, यहाँ पे डायल करते हैं। तो कैसे आप यहाँ पे लाउडनेस सुन के हैरान हो जाओगे इस वॉच की, फास्ट ट्रैक की वॉच की काफ़ी लाउड है। इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कम है डेफिनेटली, और फास्ट ट्रैक की वॉच की काफ़ी ज़्यादा है। और ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन नहीं मिलता आपको वेगा में, इसमें आपको ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन मिल जाता है।
और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हार्ट रेट मॉनिटर का ऑप्शन मिलता है दोनों में ही वॉचेज़ में। ओवर टू द एयर यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर के साथ आती है, दोनों ही वॉचेज़ नहीं बताती हैं, तो ये अच्छी बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर का ऑप्शन देखने मिलता है, तो फालतू है, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता आप सभी को कि आप चेक करें ब्लड प्रेशर इससे वॉच से। और एस पी 12 मॉनिटर मिल जाता है आपको दोनों ही वॉचेज़ में यहाँ पे, ठीक है। तो ओवर टू द एयर यहाँ पे काम नहीं करता दोनों में से कोई से भी सेंसर, तो ये अच्छी बात है। वेदर अपडेट्स में जाते हैं, म्यूजिक प्ले का ऑप्शन होता है, म्यूजिक आप वॉच में इटसेल्फ सुन सकते हैं दोनों ही वॉचेस में। और ये तो ब्लूटूथ स्पीकर की तरह काम करता है, मतलब फास्टैग की वॉच में काफ़ी ज़्यादा लाउड है ना, इसी वजह से ब्रीद रिलैक्स मोड दोनों में देखने को मिल जाता है। और गेम्स मिल जाते हैं आपको इसमें, एक ही गेम मिलता है बेसिकली इसमें, और ये बर्ड वाला टाइप का, और इसमें आपको चार गेम मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें रेसिंग गेम मिल जाता है फास्टैग की वॉच में, जो कि आपको ये नहीं देती है बेसिकली वेगा, ठीक है। और वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है इसमें भी आपको, वॉइस असिस्टेंट मिल जाते हैं, तो वॉइस असिस्टेंट चेक कर लेते हैं एक बार। What is the weather of Faridabad? I'm just trying to do my job. If there's anything else I can help you with, just let me know. I don't know, यहाँ पे सही से सुना नहीं एक्चुअली। फंक्शन पे आते हैं, यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड माय फोन, फ्लैश लाइट मिल जाता है ऑप्शन। यहाँ पे आपको कैमरा है, ब्रीथ रिलैक्स मोड है, वेदर अपडेट्स है, अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है, अलार्म वॉच में इटसेल्फ लगा सकते हो, इसमें रिंग करती है, इसमें वाइब्रेट करता है। और फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, फ्लैश लाइट मिल जाती है इसमें भी। तो यहाँ पे ब्राइटनेस आप सीधे सीधे देख सकते हो, वेगा विनर है स्ट्रेट अवे यहाँ पे, पर ब्लैक बॉडी इसमें काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। नोटिफिकेशन सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, कैलकुलेटर का ऑप्शन इसमें एडेड एडवांटेज है, जो कि आपको फास्ट ट्रैक रिवोल्ट एफ एस वन में नहीं मिलता है। अब एक काम करते हैं, दोनों को वेट कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे वेट करके दोनों में से हैवी कौन सी वॉच है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रखेंगे फास्ट ट्रैक की वॉच, 44 ग्राम्स के अप्रॉक्सीमेटली है ये। और यहाँ पे मेटल की वॉच रखेंगे, बीट एक्सपी वेगा 54 ग्राम, तो 10 ग्राम का अंतर है। अब यहाँ पे हाथ पे पहनते हैं ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस की, ठीक है। सो गाइस, रेस्ट टू वेक दोनों ही वॉचेस में काम करता है, पर्टिकुलरली कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस्ट टू वेक काम करता है। लास्ट मीडियम इसके लिए ठीक है दोनों ही वॉचेस, बट थिन रिस्ट पे नहीं चल पाएंगे, ना ही स्किन रिस्ट पे। ऑक्सीमीटर मैंने ऑन कर लिया यहाँ पे, यहाँ पे हम चेक करते हैं हार्ट रेट सबसे पहले, यहाँ पे भी हार्ट रेट चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऑक्सीमीटर में रिजल्ट आ चुका है, 98 एसपीटी दिखा रहा है, 79-80 दिखा रहा है हमारा हार्ट रेट, ठीक है, 80 के करीब करीब, तो देख सकते हो यहाँ पे 77। और यहाँ पे ओके, ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ पे फास्ट ट्रैक की वो ज़्यादा एक्यूरेट बता रही है, देख सकते हो यहाँ पे 76-80, और यहाँ पे कितना है 78 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा एक्यूरेट है इससे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एसपीटी चेक करते हैं, गैस एसपीटी के लिए वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता आप सभी को कि वॉच से चेक करें, ठीक है। और यहाँ पे तो बीपी मॉनिटर मिल जाता है फालतू का दिया गया जो। अब गैस यहाँ पे मैं फाइनल कंक्लूजन देता हूँ, देखो गैस अगर आपको पीक ब्राइटनेस बेटर चाहिए तो यहाँ पे बीट एक्सपी वेगा से बेटर वॉच नहीं मिल सकती। और इवन फिट शॉट की एस्ट्रो भी है, जो कि आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, मतलब सेम ही है, मतलब दोनों ही वॉचेस हुबहू कॉपी एक दूसरे की। अब गैस फास्ट रिवोल्ट एफ एस वन अच्छी वॉच है, बट अगेन गैस यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं मिलता पहले तो, ब्राइटनेस सेल्स थोड़े से कम मिलते हैं, और बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी पॉलीकार्बोनेट मिलती है, बट एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिलती है इसकी भी, ठीक है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रेस्ट वेक के साथ भी काम करती है दोनों वॉचेस, लाउडनेस बहुत अच्छी मिलती है। तो गाइस अगर कॉलिंग पर्पज़ के लिए आप ले रहे हो तो रिवोल्ट एफ एस वन प्रो लाइक अ चार्म आप सीधे ले सकते हो, स्ट्रेट अवे ले सकते हो, बट ये जो है बीट एक्सपी वेगा, अगर आपको ब्राइटनेस सेल्स अच्छी चाहिए और थोड़ा सा ज़्यादा फीचर चाहिए तो आपको ये वाली वॉच लेनी चाहिए। वैसे मेरा फाइनली वोट जाता है फास्ट ट्रैक रिवोल्ट एफ एस वन को, एक्यूरेसी के मामले में भी खासकर अच्छी है। तो गाइस ये थे डीड ऑन रिव्यू और दोनों ही वॉचेस का कंपैरिजन बेसिकली। अगर आपका क्वेरी दोनों वॉचेस की रिगार्डिंग कुछ भी रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।